नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोल्ड फार्म, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। दोस्तों, मेरा फार्म बन रहा है, इसकी वजह से मुझे बोर्ड पे आपको बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं फार्म पे अपनी वीडियो बनाता। लेकिन आपको पता है कि ये जो वीडियो है या यहाँ पे बनाएंगे, अगर हम बोर्ड पे बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बकरी जाने वाली है। बकरीद में आपको बकरे को क्या क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये बहुत मायने रखता है। बकरीद में बकरे को तैयार करने का मैं बहुत ही शानदार आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही शानदार। और इस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बकरा 100% आपका वेट गेन करेगा, हाइट बढ़ेगा। तो आइए आप सीधा देखते हैं बोर्ड की तरफ कैसे आपको खिलाना है। देखिए, इस समय मेरे फार्म का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस समय आप टाइम देख सकते हैं 8:30 हो रहा है। हम लोग अभी अपने फार्म से आए हैं, फिलहाल 10-15 मिनट हुआ है, आए हैं, नहाए हैं। नहाने के बाद हम लोग अपना, जो आप लोग के लिए कई लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि सर बकरीद आने वाली है, बकरे को हम क्या खिलाएं कि मोटा हो, बकरीद आ रही है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है सर मुझे ऐसा डाइट बताइए जिससे मेरा बकरा ग्रो हो, उसका वजन बढ़े, हाइट बढ़े। क्योंकि बहुत लोग का चैनल पे जब भी मैं कमेंट बॉक्स खोल रहा हूँ तो यही क्वेश्चन आ रहा है, सर डाइट प्लान बताइए बकरों के लिए, बकरीद के लिए। तो मैं आपको बहुत शानदार और जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको खिलाना है, जान लीजिए। जो मैं डाइट प्लान आपको बताऊंगा वही देना है और वैसे ही देना है, तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको करनी है डीवार्मिंग। पहली बात आपको यही ध्यान देनी है डीवार्मिंग, आपने डीवार्मिंग कब की है उसकी, क्योंकि डीवार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको सबसे पहले बकरे को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आता है लीवर टॉनिक। तो ये दोनों जो है ना मुख्य है, ये पॉइंट दूसरा, आपको पहले डिवार्मिंग करानी है। डिवार्मिंग कराने के बाद लीवर टॉनिक जरूर देना है। तो डिवार्मिंग आप कैसे कराएंगे, आपको पता ही होगा बकरा है तो कोई भी साल्ट उठा कर दे सकते हैं, कोई भी साल्ट मतलब आप समझ ही सकते हैं, एल्बेंडा जो लीवा मिसोल ऑक्सीक्लोजानाइड की फिल्मेंडा जो कोई भी हो साल्ट, लेकिन आपको कौन सा देना है मुख्य बातें है। आपको जो डिवार्मिंग के लिए लेना है यहाँ पे वो लेना है निल जान लेनी है आपको। और इसका डोज क्या रहेगा, 10 kg/3 ml। आपको 10 kg/3 ml आपको देना है निल जान। आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो डिवार्मर लेना है, पेट के कीड़े मारने की दवा जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, निल जान लेना है, ये ध्यान रहे। निर्जान देने के बाद आपको क्या जाना है, दूसरा जो पॉइंट है अपना लीवर टॉनिक की तरफ। लीवर टॉनिक बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। तो लीवर टॉनिक आपको देखिए कैसे देना है, आपको बकरा अगर 25 किलो एबव है आप 10 से 15 ml डेली रोज देना है, कितने दिन, 15 दिन तक। क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आई थिंक ठीक ठाक लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं पहली बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो दो चीजें हो गई, आपको क्या करना है, डिवार्मिंग करानी है 10 kg/3 ml पहला पॉइंट, दूसरा लीवर टॉनिक आपको 10 से 15 ml देना है। अगर बकरा बड़ा है आपका 15 ml देंगे, 15 दिन तक लगातार आपको देना, ये ध्यान रहे आपको। और कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो आपको पता है डिवार्मिंग कैसे कराना है, शाम को खाली पेट रखना है बकरे को, कम खिलाना है और गुण के साथ 10 kg/3 ml आपको दे देना है। अगर आपका बकरा 30 kg से ऊपर है तो 10 ml आप आराम से उसको दे सकते हैं, ठीक ना। तो 30 किलो पे आपको 10 ml दे देना है, हमारा में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपने डाइट प्लान की तरफ चलना है, आपको क्या खिलाना है, देखिए आपको पहले लेना है मक्का या गेहूं, ये दोनों में से कोई एक लेना है। मक्का या गेहूं लेंगे कितना, 35 kg। उसके बाद बाजरा लेंगे, बाजरा क्यों कह रहा हूं,
बाजरा जो होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, कैल्शियम जो होता है बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा करता है, बोन की जो लेंथ होती है बोन की लेंथ को बढ़ाता है और बकड़ा और टाइट होगा, मतलब मजबूत होगा, हैवी होगा। तो आपको बाजरा जरूर लेना है वहां पे, ये ध्यान रखेंगे आप। बाजरा आपको कितना लेना है, 20 केजी। देखिए यहाँ पे रेट की बात नहीं होगी क्योंकि आपको बकरा को मोटा करना है। कई लोग कहेंगे तो बहुत हैवी डोज हो जाएगा, नहीं, अगर मोटा करना है तो डाइट देनी पड़ेगी आपको। बकरीद के लिए स्पेशल है यार, मैं बता दूं आपको, ये जो मैं डाइट बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ और सिर्फ बकरीद के लिए, नॉर्मल खिलाएंगे बकरियों को तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आपको क्या लेना है, बाजरा ले लेनी है, बाजरा लेनी है 20 केजी। उसके बाद चना, ये बहुत मेन चीज है चना, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन को हम बोलते हैं। प्रोटीन जो होता है बॉडी में, जो मतलब मांस को बढ़ाया जाए बॉडी में, तो आपको 15 केजी ये भी लेना है। उसके बाद चोकर, चोकर जो होता है इसमें फाइबर की कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये शरीर फैलाने का काम, दूसरे में पाचन शक्ति को सही रखता है, तो चोकर भी आपको 15 केजी लेना है साथ में। उसके बाद देखिए मेन चीज क्या आता है, कपास, कपास की खल बकरों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और कपास की खल आप क्या नहीं मिलती है, मूंगफली का मिलता है। अगर मूंगफली का मिल जाए तब भी ले सकते हैं आप, सरसों मिल जाए तब भी ले सकते हैं, जो आपके यहाँ खल मिले उसको ले सकते हैं। कितना, 15 किलो आपको 15 किलो कपास या सरसों या फिर मूंगफली, जो भी खल आपके यहाँ मिले उसको लेनी है 15 किलो। उसके बाद और एक मेन चीज आता है, मिनरल मिक्सचर। तो मिनरल मिक्सचर आपको 2 से 3 किलो लेना है। यहाँ पे देखिए बकरियों में हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 किलो, 100 केजी आप दाना बना रहे हैं, 1 से 2 किलो आप लेंगे मिनरल मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे बकरीद के लिए हम लोग बकरे को तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 2 से 3 केजी लेना है मिनरल मिक्सचर। साथ में नमक महत्वपूर्ण, क्योंकि नमक जब बकरा खाएगा तो उसको प्यास लगेगी और प्यास लगेगी तो पानी पिएगा, पानी पिएगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, दाने का पाचन अच्छा होगा। तब आपको ये खिलाना कैसे है, आपको क्या करना है इन सब का, ये तो आपको चोकर ऐसे ही मिलता है, चने का भी 2 से 3 बार दरवाना है, ठीक ना, ज्यादा महीन नहीं कराना है, 2 से 3 टुकड़ा इसका 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 और खल तो ऐसे ही है, ये तीनों का आप मोटा ही दरवाएंगे, समझते हैं, दरवाना मतलब पिसवाने को। तो दाना जब बनवाएंगे तो ज्यादा महीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, 2 से 3 पार्ट हो जाए बस। अब क्या करना है, इन तीनों का मैं बता रहा हूँ, ये तीनों जो है इसको मिटाते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मक्का गेहूं को, मक्का बाजरा और चना, तीनों का टुकड़ा कराना है। उसके बाद आपको खिलाने का तरीका क्या है, इसको आप चाहे तो शाम को भिगो दीजिए, तीनों को शाम को भिगोना है, भिगोने के बाद आपको सुबह में खिलाना है। आपको कपास की खल जो है इसको भी आप इस चारों को भिगोइए, इस चार है ना, इस चारों को भिगोइए, ठीक, इसको चोकर चना बाजरा मक्का इस चारों को भिगो दीजिए शाम को, साथ में कपास की खल भी आपको ऐड करनी है उसमें मिनरल मिक्सर। आप चाहे तो देखिए क्या कर सकते हैं, या 3, ठीक, खल को छोड़ना है आपको, ठीक ना, खल को छोड़ दीजिए या उसके बाद, ठीक, इन सबको एक ही साथ आपको मिला लेना है। 35 केजी है, 20 किलो है, 15 किलो है, 15 किलो है, 3 किलो से 2 या 3 किलो है और 1 किलो, सबको एक ही में मिलाकर आपको रख लेना है दाना बनाने के बाद। खल को उसमें नहीं मिलाएंगे आप, ये ध्यान रखें खल को नहीं मिलाना है, क्योंकि खल मिलाएंगे नमी पाएगा, इसमें जो है फंगस ग्रो कर जाएंगे, फंगस ग्रो करेंगे तो बकरी के लिए नुकसान होगा, तो इसको अलग से आपको रखना है, जब खिलाना हो तब डालना है। इन सबको आपको, आप चाहें तो इसको पका के दे सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया मैं जानता हूँ शाम को सबको भिगो दीजिए, सुबह में बकरों को खिलाइए। और खिलाने के बाद आपको क्या देना है, कितना खिलाना है, डोज की बात कर रहा हूं, तो डोज में यहां लिखता हूं आप लोगों के लिए,
डोज 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आपको कैसे देना है, ये ध्यान रखिए कि आपको पहले दिन ही 500 ग्राम नहीं दे देना है। आप ये पहले दिन दे रहे हैं तो 200-250 ग्राम दीजिए, उसके बाद 300 पे ले जाइए, 3.5-4 ज्यादा एक बार देंगे, 500 ग्राम पहले दिन खिलाएंगे तो उसको गैस हो सकता है, साथ में उसको दस्त भी लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पहले 300 ग्राम दीजिए, उसके बाद 500 ग्राम पे ले आकर रोक दीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाना है आपको। तो डोज आपको देना है 300 ग्राम से 500 ग्राम तक, जैसा बकला वैसा डोज दे सकते हैं, सबको मिलाइए। जैसे मैंने बताया है 35, 20, 15, 15 और 2 और 1, इसको मिलाकर रख लीजिए। आपको एक बकरे के हिसाब से 300 ग्राम, 5 बकरे हैं तो 1.5 किलो भिगोना है, साथ में उसमें खल भी डाल देना है, ठीक ना, उसी हिसाब से आपको कितना डालना है, ठीक ना, और उसके बाद भिगोने के बाद आपको उसको खिलाना है। और डिवार्मिंग, लीवर टॉनिक, ये दोनों जो है मस्ट है, बहुत जरूरी है। और एक बात मैं बता दूं, कोई नहीं बताएगा आपको, देखिए दाना खिलाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं देना है, 2 घंटे तक पानी नहीं देना है। देखिए आपको दाना देने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पिलाना। अगर आप 2 घंटे जैसे आप दाना खिलाएं तुरंत पानी पिलाएंगे तो बकरे को अफरा हो सकता है, गैस हो सकता है, साथ में डायरिया भी लग सकती है। तो आपको 2 घंटे तक दाना देने के बाद पानी नहीं पिलाना है। और ये जो मैंने आपको डाइट बताया है यह स्टैंडर्ड डाइट है, सुपर समझ सकते हैं, सुपर ग्रोथ के लिए है, सुपर ग्रोथ, ये सुपर ग्रोथ के लिए है। आपको ये खिलाएंगे तो मैं कह सकता हूं 100% बकरे की ग्रोथ होगी, लेकिन डिवार्मिंग और लीवर टॉनिक मस्ट है। तो मैंने जो डोज बताया आपको, जैसे बताया वैसे आपको देना है। आप शुरू में वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कितना क्या बताया है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, इस डाइट को फॉलो करना है। बकरा 100% क्या होगा, मोटा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। मेरे फार्म का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द कंप्लीट होगा, उसके बाद ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग करेंगे और एक से एक आपको नॉलेज ऐसे ही मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए।